हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम फ्रिल वाला बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट बनाएंगे। आप इसे डोरमेट में यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए, आप इसे टेबल मैट पे यूज कीजिए। बहुत ही सुंदर सा ये फ्रिल वाला हमारा डोरमेट बन के आएगा। उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये एक ऑरेंज कलर ले लिया है और एक ये डार्क पिंक कलर ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये मैंने चुन्नी की देखिए 1 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है इस तरह से। ये मेरे पास पुरानी चुन्नी थी, तो पुरानी चुन्नी का बहुत ही अच्छा यूज है। हमारे पास पुरानी चुन्नी घर में पड़ी रहती है, तो उनसे हम बना सकते हैं डोरमैट। आपके पास अगर पुरानी साड़ी है तो आप साड़ी से भी बना सकते हैं, और जो पुराने कपड़े हैं उनसे भी बना सकते हैं, और ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। मैं इसे चुन्नी से बनाऊंगी। तो चुन्नी से बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसमें फंदे डाल लूंगी। देखिए यहाँ पर इसमें मैं 12 फंदे डाल लूंगी इस तरह से। एक नोट बना लेंगे हम पहले ऐसे, और देखिए इस तरह से पट्टी को और ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके के फंदे डाल रही हूँ मैं इस तरह से। फंदे डालना आपको जिस तरह से आता है आप उसी तरह से फंदे डाल सकते हैं। ऐसे देखिए, ये 3 4 5 6 ये देखिए 6 7 8 9 10 देखिए 10 और ये 11 देखिए 2 4 6 8 10 11 और ये 12। देखिए मैं इसे 12 फंदे से बनाऊंगी। आपको जितना बड़ा या छोटा बनाना है आप उसी हिसाब से इसमें फंदे ले लें, 2 के मल्टीपल से। इसमें मैं 12 फंदे डालूंगी, आप इसमें 14 फंदे ले, 2-2 के मल्टीपल से जितने भी फंदे डालना चाहें इसमें आप फंदे डाल सकते हैं। इसलिए इसमें मैंने 14 फंदे डाल लिए, 12 फंदे डाल लिए हैं। देखिए 12 फंदे डालने के बाद हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। हम एक ये रो उल्टा उल्टा बनाएंगे और एक इस साइड की रो, 2 रो उल्टा उल्टा बना लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे ये एक रो हमने उल्टी बुन ली है। अब दूसरी रो दूसरी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, देखिए फंदे को उतारेंगे, धागा आगे की तरफ पट्टी करेंगे और पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से।
देखिए, ये हमने यहाँ पर पूरी रो उल्टा उल्टा बना ली है इस तरह से, देखिए ऐसे। अब देखिए हम इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, इसे हम उतारेंगे नहीं, उल्टा बनाएंगे। और इस फंदे को देखिए ऐसे, जैसे हम उल्टा बनाते हैं इसी तरह से सिलाई में डालेंगे और इस तरह अंगूठे में लपेटेंगे इसे ऐसे। अंगूठे में लपेटने के बाद हम इसे यहीं पे पकड़ लेंगे ऐसे, इस तरह से पकड़ लेंगे और ऐसे निडल से निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसे टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे इसे, इस तरह से देखिए ऐसे ऐसे बन के आएगा। फिर देखिए इससे अगले फंदे पे भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे अंगूठे पे लपेटेंगे दो बार, ये देखिए दो बार ऐसे लपेटा और इसे ऐसे पकड़ लेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम इसे पकड़ेंगे और ऐसे निडल से निकाल लेंगे। फिर से देखिए ऐसे, इस तरह से देखिए ऐसे बन के आएगा हमारा ऐसे, देखिए। फिर से हम दो बार अंगूठे से घुमाएंगे और यहाँ से टाइट पकड़ेंगे और इसे निडल से ऐसे निकाल देंगे। इसी तरह से हमें इस पूरी रो को निकालना है, देखिए ऐसे, ये ऐसे बनता हुआ आएगा। फिर से देखिए एक बार फिर से घुमाएंगे, ऐसे, और यहाँ पर हम ऐसे टाइट पकड़ लेंगे इसे। और इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए फिर से डालेंगे और पट्टे को दो बार ऐसे घुमाएंगे और इसे टाइट पकड़ लेंगे यहाँ पर इस तरह से, टाइट पकड़ेंगे ऐसे और इस तरह से निकाल देंगे। फिर से देखिए इससे आगे वाले फंदे पे ऐसे घुमाएंगे दो बार, अंगूठे पे हम दो बार घुमाएंगे ऐसे और यहाँ से टाइट पकड़ लेंगे, यहाँ से टाइट पकड़ने के बाद इसे ऐसे निकाल देंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से बन के आएगा ये हमारा ऐसे। देखिए फिर से इससे आगे वाले फंदे पे ऐसे ही करेंगे, ऐसे दो बार लपेटेंगे और यहाँ से टाइट पकड़ लेंगे इसे। इस तरह से पकड़ने पर आपको फंदा निकालने में दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से बना लेंगे। ऐसे देखिए, फिर से हम अंगूठे पे लपेटेंगे ऐसे दो बार, दो बार लपेटा और यहां से इसे टाइट पकड़ लेंगे इस तरह से, यहां से टाइट पकड़ा और ऐसे निकाल देंगे। देखिए फिर से हम दो बार अंगूठे पे लपेटा इस तरह से और यहाँ से टाइट पकड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इस तरह से अगर आप टाइट पकड़ेंगे तो आपको फंदा निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे देखिए, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे एक जैसा, ठीक है। देखिए इस तरह से बन जाएगा हमारा ऐसे, और ये दो फंदे हम छोड़ देंगे और वापिस यहीं से मुड़ जाएंगे इस तरह से। देखिए उल्टी रो को हम इस तरह से इस फंदे को थोड़ा सा टाइट करके निकालेंगे ऐसे, टाइट कर देंगे इसे उल्टी रो में। सीधी रो में हमें इसे नॉर्मल में बनाना है, बहुत ज्यादा इसे खींचना नहीं है ऐसे। और उल्टी रो में हम इस फंदे को थोड़ा सा टाइट ले लेंगे इस तरह से ऐसे, देखिए ऐसे। ये देखिए ऐसे,
ठीक है। देखिए इस तरह से बन के आएगा। इसे बनाने के बाद हम इस तरह से ऐसे टाइट कर लेंगे। देखिए इनको खोल देंगे, इन फ्रिल्स को जो है, जो मुड़ जाती है हमारी पट्टी, इसे इस तरह से खोल देंगे। इस तरह से बन के आएगा ऐसे। अब देखिए हम आ गए हैं सीधी साइड। इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। देखिए उतारेंगे नहीं, हम इसे उल्टा बनाएंगे ऐसे, और सेकंड फंदे पे हम फिर से दो बार लपेटेंगे ऐसे। इस तरह से लपेट लेंगे इस तरह से, और यहाँ से टाइट पकड़ेंगे और इस फंदे को उतार देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर दो बार लपेटेंगे ऐसे ऐसे। दो बार लपेटने के बाद यहाँ से टाइट पकड़ेंगे और इसे निकाल देंगे। देखिए फिर से इस फंदे को ऐसे लपेटेंगे दो बार। दो बार लपेटना है, और देखिए आपको बहुत ही आसान है इसे। इस तरह से अगर आप पकड़ेंगे तो आसानी से आपका निकल जाएगा, वरना आपको निकालने में दिक्कत आएगी। देखिए फिर से अंगूठे के ऊपर लपेटेंगे दो बार इस तरह से, और यहाँ से इसे टाइट पकड़ेंगे इस तरह से, ठीक है, और ऐसे निकाल देंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा ये ऐसे, ठीक है। देखिए इस तरह से, और इसे हम टाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे हम, इसे इस तरह से निकालेंगे ऐसे, और इसे ऐसे पकड़ लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। देखिए फिर से अगले फंदे में ऐसे ही करेंगे। इस पूरी रो में हमें इस तरह से ही करना है, और उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए जाना है इस तरह से। देखिए फिर से दो फंदे लपेटेंगे ऐसे, ऐसे लपेटेंगे और ऐसे निकाल देंगे। दो फंदे देखिए फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे ऐसे, और देखिए उल्टी रो ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। उल्टी रो को हमें थोड़ा सा टाइट बनाना है ऐसे, इस तरह से। पूरी रो हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इसी तरह से, और देखिए इस पट्टी को ऐसे लपेट लेंगे अंदर की साइड। इस फंदे को ऐसे बना लेंगे, देखिए ऐसा बन के आएगा। हमें दो दो फंदे पीछे की साइड छोड़ते हुए जाना है और ऐसे बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से। अब देखिए हम इस रो में इस फंदे को उल्टा बनाएंगे देखिए ऐसे बनाते हुए। हमने इसमें दो चार छः छः फंदे छोड़ दिए, और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे, और उल्टी रो में हमें इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है ऐसे। देखिए उल्टी रो में हम इन फंदों को थोड़ा सा टाइट पकड़ के उतारेंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे, और इस फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए ऐसे बनाते हुए जाना, बहुत ही सुंदर सा हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा मैट बन के आएगा ये। अब देखिए उल्टे फंदे, इस आगे वाले फंदे को हमें उल्टा बनाना है, इसे उतारना नहीं है ऐसे, थोड़ा सा इसे टाइट ऐसे बनाएंगे। और देखिए सेकंड फंदे पे ऐसे लपेटेंगे, अंगूठे पे दो बार लपेटेंगे, और लपेटने के बाद ऐसे पकड़ के उतार देंगे देखिए, और इसे हल्का सा टाइट कर देंगे। देखिए फिर से दो बार लपेटेंगे, और यहाँ से इसे आप अगर टाइट पकड़ेंगे तो आसानी से आपका फंदा निकल जाएगा ऐसे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। देखिए फिर से हम ऐसे लपेटेंगे ऐसे,
और इसे टाइट पकड़ लेंगे। टाइट पकड़ने के बाद इसे ऐसे निकाल देंगे और देखिए हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2, 4, 6 और ये हमारे यहाँ पर 8 फंदे छूट गए हैं। ऐसे ही हम सभी फंदों को छोड़ेंगे। देखिए फिर इन फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेंगे। उल्टी रो में हमें इन फंदों को थोड़ा सा टाइट बनाना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे इस तरह से। देखिए दो चीजों का आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक तो आप फंदों को पकड़ के उतारें, जब आप उतारेंगे तो इन फंदों को ऐसे पकड़ लें और जो फर्स्ट फंदा है इसे उल्टा बुनाना है इस तरह से, इसे उतारना नहीं है ऐसे। देखिए फिर से हम दो फंदे ऐसे लपेटेंगे दो बार इस फंदे को और यहाँ से इसे टाइट पकड़ेंगे ऐसे। टाइट पकड़ने के बाद ऐसे उतार देंगे। ये इस तरह से पकड़ने पर हमारा आसानी से बन के आएगा। देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए 2, 4, 6, 8 8 फंदे छोड़े थे, अब हम दो फंदे फिर से छोड़ देंगे ये वाले और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे और इन दो फंदों को ऐसे टाइट उतार लेंगे इस तरह से। अब देखिए ये हमारी एक कली बन के आ गई है इस तरह से। दो दो फंदे यहाँ पर छोड़ते हुए देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 फंदे छोड़ दिए हमने इसी तरह से। और फंदे छोड़ने के ये कली कंप्लीट होने के बाद देखिए हम इन्हें थोड़ा सा इस तरह से टाइट खींच देंगे इस तरह से, ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे, और जो ये मुड़ से जाते हैं इनको हम ऐसे खोल देंगे ऐसे, ठीक है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा हमारा मैट बन के आएगा इस तरह से बनाने पे। देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा। अब ये रो हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है। इस फंदे को बनाएंगे ऐसे, पूरी रो उल्टा उल्टा बुननी है ये, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ऐसे, ऐसे। पूरी रो को ऐसे ही बना लेंगे। इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे बन के आएगा। ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से बनाने पर अब हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर देखिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से उल्टी साइड से। और इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे ऐसे ऐसे। दबाने पर देखिए हमारे जो फंदे हैं वो खुलेंगे नहीं ऐसे, साथ में दबाते हुए चलेंगे इसे। और उल्टी रो पूरा उल्टा उल्टा बुन लेनी है। आप इसे देखिए मल्टी कलर में भी बुन सकते हैं, मैं इसे दो कलर में बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे बन के आएगा ये हमारा। अब देखिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ से इस फंदे को नीडल्स में डालेंगे
और सिलाई के ऊपर से और अंगूठे के यहाँ से ले लेंगे, दो बार घुमाएंगे ऐसे, दो बार इस तरह से घुमाएंगे, ऐसे दो बार घुमाया और इसे ऐसे पकड़ेंगे टाइट इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसे बन के आएगा, फिर से देखिए सिलाई में डालेंगे और अंगूठे के ऊपर से और नीडल्स के बीच से ऐसे निकाल लेंगे इसे, देखिए ऐसे, और यहाँ से इसे टाइट पकड़ेंगे। ये ध्यान रखें कि इसे यहाँ से टाइट पकड़ेंगे आप तो इस तरह से फंदे में से बहुत जल्दी निकल के आएगा, इस तरह से आप इस चीज का ध्यान रखें। देखिए फिर से हम अंगूठे और सिलाई के बीच में से दो बार लपेट लेंगे ऐसे, और इसे यहाँ से टाइट पकड़ लेंगे। आप इसे और भी लंबा बनाना चाहें इन फ्रेल्स को, जैसे इस तरह से, अगर इन्हें और लंबा बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा इसे और ज्यादा लूज छोड़ दें, जैसे हम इस तरह से बना रहे हैं, आप इसे इस तरह से थोड़ा सा और लूज छोड़ते हुए जाए इस तरह से, लेकिन ये बहुत ही काफी बड़ी है, इतनी काफी है, इसलिए देखिए इस तरह से हम लपेटेंगे ऐसे और इसे यहाँ से टाइट पकड़ लेंगे और देखिए इस तरह से निकाल देंगे ऐसे, और देखिए इसे हम यहाँ पर टाइट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, और फिर से देखिए यहाँ पर अंगूठे और सिलाई के बीच में से लपेटना है इसे और ऐसे निकाल देंगे। फिर से देखिए यहाँ पर ऐसे ही लपेटेंगे ऐसे, लपेटा और इसे ऐसे निकाल देंगे इस तरह से, देखिए ऐसे, और इसे टाइट कर लेंगे ऐसे, फिर से देखिए लपेटेंगे और ऐसे निकाल देंगे ऐसे, फिर से देखिए इसी तरह लपेटेंगे और यहाँ से टाइट पकड़ के इस तरह से और इसे निकाल देंगे, फिर से देखिए ऐसे लपेटा ऐसे और यहाँ से इसे टाइट पकड़ लेंगे ऐसे और इस तरह से निकाल देंगे, वापस यहीं से पलट जाएंगे। दो फंदे हम यहाँ पर छोड़ेंगे, जैसे हमने पिछले कली में छोड़े थे दो दो फंदे छोड़ते हुए, देखिए इस तरह से बनाना है इसे, ये ऐसे बन के आएगा और उल्टी रो हमें उल्टा उल्टा बुननी है, जैसे पिछली बनी थी उल्टी रो जब हम बनाएंगे तो इन फंदों को थोड़ा सा टाइट करके उतारेंगे ऐसे, देखिए इस तरह से, देखिए इसी तरह हम इस पूरे मैट को बना लेंगे ऐसे, बहुत ईजी है इसे बनाना। आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो दो के मल्टीपल में जितने भी फंदे डालना चाहें उतने फंदे डाल सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से बन के आएगा ऐसे। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन कलर से बनाया है, इस तरह से बन के आएगा ये, बिल्कुल मार्केट के जैसा बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा मैट बन के आएगा। देखिए अगर आपको ये लगे कि ये टाइट है तो आप इसे इस तरह से खींचे, यहाँ से ऐसे खींचे, और अगर आप इन पट्टियों को, ये आपकी पट्टी जो है ये फोल्ड हो जाए तो आप इस तरीके से इनको खोल दे ऐसे, देखिए इस तरह से इनको खोलने के बाद ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो इस तरह से देखिए आप इन्हें इस तरह से खींच लें, ये इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा बिल्कुल बाजार के जैसा हमारा ये मैट बन के आएगा। ये देखिए मैंने तीन कलर से बनाया है, मैंने इसमें तीसरा कलर और लगा दिया, पहले मैं इसे दो ही कलर से बना रही थी, लेकिन इसे देखिए कलरफुल बनाने में ये और भी ज़्यादा सुंदर बन के आया, तो मैंने इसमें एक कलर और ऐड कर दिया। इसी तरह से बनाते हुए देखिए, जैसे हमने ये एक दो तीन चार चार कली बनाई है, उसी तरह से हम इसमें इस पूरे मैट को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने 12 फंदों से बनाया है,
आप इसे 16 फंदे से भी बना सकते हैं, दो के मल्टीपल में आप जितने भी जितना बड़ा बनाना चाहिए। वैसे तो ये 12 फंदे का भी, जैसे हम इसकी ये बनाएंगे तो गोल गोल में ये बड़ाई बन के आएगा, छोटा नहीं बनेगा। फिर भी आप अगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 16 फंदे डाल लें, 2 के मल्टीपल में 20 फंदे डाल लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे। देखिए बाजार जैसा बिल्कुल सुंदर सा शोभ सा हमारा मैट बन के आएगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा डोरमैट कैसा लगा। देखिए प्यारा सा मेरा डोरमैट आपको कैसा लगा।